हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो जो 2021 की परीक्षा थी उसकी पोस्ट डिटेल पूरी आ चुकी है कि कितनी पोस्ट है। ठीक, जैसे एक तो पिछले कई दिनों से क्या था कि डीएसपी की पोस्ट आ गई थी, कुछ सालों से हम लोग कह सकते हैं एक दो साल से, क्योंकि बीच में एक बार पोस्ट डीएसपी की 100+ आ गई थी, उसके बाद से डीएसपी की पोस्ट पूरी खाली ही जा रही थी। इस बार देखेंगे जो अभी आपका 21 का पेपर हुआ है, ठीक है, तो जो 21 का भी मेंस होने वाला है, जिसका एग्जाम था और टल गया है, अब मार्च लास्ट में स्टार्ट है, उसकी यहाँ पे डिटेल दी गई है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बोला है कि जो एसडीएम की पोस्ट है वो एसडीएम की पोस्ट इस बार कुल 52 पोस्ट है, इसमें अनारक्षित के लिए 25 सीट है और बाकी यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे देखेंगे महिलाओं के लिए कुल 10 सीट है, ठीक है, यहाँ पे 10 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। 50 अब यहाँ पे देखेंगे डीएसपी की पोस्ट, तो यहाँ पे 25 पोस्ट डीएसपी की है, तो पोस्ट एसडीएम की तुलना में तो बहुत कम है। रीजन इसका यही है, 2018 में डीएसपी की पोस्ट बहुत ज्यादा आ गई थी, ठीक है, तो उसी का खामियाजा आगे के वाले वर्ष वाले अभी भुगतेंगे, एक दो साल अभी और भुगतेंगे, और क्योंकि बीच में दिनों में क्या था कि डीएसपी की पोस्ट नहीं थी। तो मेरा मानना है कि अब अगली बार में जो 2022 की पोस्ट डिटेल आएगी तो वहां पे चांस है कि डीएसपी की पोस्ट थोड़ी ज्यादा रहे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे तो पुलिस अधीक्षक की यहाँ पे पोस्ट देखी है, और यहाँ पे ऊपर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ठीक है, इसकी को 3 पोस्ट आई है, तो इसकी पोस्ट हमेशा कमी आती है, ठीक है। एआरटीओ की पोस्ट हमेशा देखेंगे कि कमी आती है, इस बार भी इसकी पोस्ट उतनी ही कम आई है जैसे हर बार आती है, हालांकि पिछली बार इसकी पोस्ट जबकि ज्यादा थी, तो इस बार इसकी पोस्ट यानी 2021 में केवल 3 पोस्ट है। यहाँ पे बीडीओ की पोस्ट देखेंगे अगर हम लोग कि खंड विकास अधिकारी की पोस्ट, तो बीडीओ की पोस्ट इस बार 39 है, ठीक है। यहाँ पे खंड विकास अधिकारी की पोस्ट देखेंगे तो खंड विकास अधिकारी की इस बार पोस्ट केवल 39 है। जिला पंचायत राज अधिकारी की पोस्ट कितनी है ये देख लेंगे, तो 4 पोस्ट है इसकी, ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी की जो पोस्ट है केवल 4 पोस्ट आई हुई है। अगर हम लोग इसके बाद से देखें नेक्स्ट जो पोस्ट है, इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे लगता है मैं इसमें अगर कोचेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहा, बार बार जाके मिटाना पड़ रहा है। मैं इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें जो बेसिकली बीडीओ की जो पोस्ट है, आप ध्यान देंगे तो जो बीडीओ की पोस्ट है, बीडीओ की पोस्ट इस बार 39 आई हुई है। इसके बाद से अगर हम लोग ध्यान दें जिला पंचायत राज अधिकारी की पोस्ट, तो जिला पंचायत राज अधिकारी की पोस्ट कितनी आई है, तो जिला पंचायत राज अधिकारी की कुल 4 पोस्ट आई है। इसके बाद से हम देखेंगे तो अधिशासी अधिकारी, ठीक है, श्रेणी 1, इसकी पोस्ट कुल 12 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो कार्य अधिकारी पंचायती राज, इसकी 2 पोस्ट है। अगर हम लोग अच्छी खासी पोस्ट देखेंगे तो बेसिकली जो प्रधानाचार्य का पोस्ट है वो इसमें अच्छा खासा है। देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य का इस बार कुल 292 पोस्ट है, हालांकि ये स्पेशल सीट है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना, प्रधानाचार्य की इस बार कुल 292 पोस्ट है, तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है, 300 के करीब पोस्ट इसी की आई हुई है। और बाकी जो एसडीएम की पोस्ट इस बार कह सकते हैं ठीक ठाक है, पिछले 2-3 वर्षों से अगर तुलना करेंगे तो लगेगा कि एसडीएम की पोस्ट ठीक ठाक है, न बहुत अधिक है ना बहुत कम है, 52 को बहुत कम भी नहीं बोल सकते हैं और बहुत अधिक भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2017 में मेरा मानना केवल 21 सीट के करीब में आई थी, 18 में थोड़ी सी जो पोस्ट थी वो थोड़ी बड़ी थी, 19-20 में फिर एसडीएम की पोस्ट कम हुई थी, तो इस बार 52 पोस्ट पिछले 2 साल से ज्यादा है, ठीक है। आगे स्पेशल सीट ही है, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो अधीक्षक कारागार की 9 पोस्ट है, ठीक है, उप निबंधक की जहाँ पे 34 पोस्ट है, यहाँ पे सहायक नियंत्रक एवं विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1 की 1 एक ही पोस्ट है, गन्ना निरीक्षक की 3 पोस्ट है, यहाँ पे सहायक भंडार जो अधिकारी है उसका 1 पोस्ट है, जिला कमांडेंट होमगार्ड की 6 पोस्ट है, जिला गन्ना अधिकारी की स्पेशल पोस्ट है, सब 3 सीट है। बेसिकली हम लोग अगर देखेंगे जनरल पोस्ट तो इस बार नियर अबाउट 200 के करीब में होगी पोस्ट, ठीक है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी इसकी कटाप बहुत कम जाती है, 7 सीट है इसकी, हालांकि ये स्पेशल पोस्ट है इसके लिए सोशियोलॉजी होना चाहिए। इसकी कटाप पिछली बार की अगर मैं कटाप दिखाऊं, रुके मैं पिछली बार की कटाप दिखाता हूं एक बार, ये सारी पोस्ट आपको डिटेल देखिए, मैं एक बार आपको पिछली बार की कटाप से इसको मैच कराता हूं, ठीक है। जैसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी का मैं कटाप दिखाता हूं आपको, ये 2020 का कटाप है, इससे एक बार आप लोगों को दिमाग में रहेगा कि नंबर लगभग कितने मार्क्स जाए तो चयन लगभग तय हो सकता है। जैसे देखेंगे 2020 का पूरी डिटेल है, पूरी कटाप है। यहाँ पे नायब तहसीलदार की उस समय 73 पोस्ट थी, ठीक है, यानी 2020 में नायब तहसीलदार की कुल 73 पोस्ट थी। और जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का देखेंगे तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे मिनिमम 867 मार्क्स चाहिए थे, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को 793 मार्क्स चाहिए थे, WS का हाल देखेंगे, WS को 836 मार्क्स चाहिए थे, अनुसूचित जनजाति को 778 मार्क्स, तो इस तरह से देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग अगर बाल विकास अधिकारी का तो हो गया, इसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे श्रम प्रवर्तन अधिकारी के, तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी का देखेंगे AWS की कटाप देख रहे हैं कितना कम गई है, 661 गई है।
661 नंबर ओवरऑल कट ऑफ गई है श्रम प्रवर्तन अधिकारी की, यानी यहां से -60 नंबर कर दीजिए इंटरव्यू का, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये इस पिछले 2 साल की अच्छी खूबी का है कि इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि पैसा देके मिले हैं, फ्री में नंबर मिले हैं बिना पैसा के, ठीक है। तो यानी अगर आपको लगभग 600 के करीब में मार्क्स आ गया, किसमें, जीएस आपकी एसए में, हिंदी में, और ऑप्शन मिला के केवल 600 नंबर भी आ गया, तो भी आपका रिजल्ट हो जाना है श्रम प्रवर्तन अधिकारी पे। हालांकि इस बार इसकी सीटों की संख्या बहुत कम है, केवल 7 सीट है। अगर हम लोग पिछली बार देखे कितनी सीट थी, तो पिछली बार 15 सीट थी, तो सीधी इस बार सीटें पिछली बार से आधी हो गई है, यानी 2021 में सीटों की संख्या क्या है, आधी है। आगे हम लोग देखेंगे जिला प्रशासनिक अधिकारी की कितनी पोस्ट है, तो पिछली बार 8 पोस्ट थी, और इसमें आप लोग अपना अनुसार कट ऑफ देखेंगे। अच्छा, एक कट ऑफ आप लोग देखेंगे, तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग 760 स्पेशल पोस्ट में हैं, तो 760 प्लस अगर मार्क्स आपके इंटरव्यू के साथ आते हैं, यानी 700 के करीब में मार्क्स अगर आपके आते हैं जीएस में, जीएस और एसए हिंदी और आपका ऑप्शन मिला के, यानी जो मेंस का पेपर है, मेंस में अगर आपको 700 प्लस मार्क्स आते हैं, तो लगभग आपका पीसीएस अधिकारी के तौर पर चयन कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी ना तो किसी पोस्ट पर आपका चयन हो जाएगा। अगर स्पेशल पोस्ट आपकी है तो एकदम कंफर्म है कि आपका चयन होगा। स्पेशल पोस्ट मतलब जिनकी सोशियोलॉजी ऑप्शन होगी, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑप्शन वालों के लिए पीसीएस का एग्जाम तो कहता है नौकरी ले लो। यहां पे कितनी ऐसे पोस्ट है जिनमें आपके केवल 600 नंबर भी अगर मेंस में आते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, जैसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पोस्ट, ठीक है, उसमें कैटेगरी है जैसे जिसे देखेंगे इसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नियर अबाउट 6 बन गई है। तो आप मान के चलिए इस 700 नंबर में अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको जीएस में कम से कम 350 के अराउंड स्कोर करना होगा। अगर आपको स्पेशल पोस्ट पे भी चयन चाहिए, तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं वो जनरल भी ग्रेजुएट है, वो स्पेशल पोस्ट में शामिल नहीं है, या किसी एक दो पोस्ट पे स्पेशल है, तो उनको ध्यान देना होगा कि कम से कम जीएस में 400 के अराउंड उनको मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए तभी उनका चयन हो सकता है, यानी जीएस में आपको अराउंड 400 के करीब में मार्क्स चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि आपको जीएस में 400 के करीब में मार्क्स चाहिए, और पेपर भी कितने हैं, पेपर भी आपके पास 4 हैं, तो GS1, GS2, GS3 और GS4, ठीक है, चारों पेपर है, औसतन देखें तो सब में कम से कम 100 या 100 प्लस मार्क्स आपको लाना ही लाना है, ठीक है, ताकि एक दो जगह कहीं मार्क्स थोड़े से कम हो तो भी आपकी बहुत दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहां आप जितना बेहतरीन स्कोर करेंगे, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों का मैं अगर हिस्ट्री में बोलूं तो ऑप्शनल में क्या है, ऑप्शनल में अगर आपका नॉर्मली ऑप्शनल है, जैसे अगर आपका ऑप्शनल कोई मानविकी का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पीएसआईआर, इनमें से कोई सब्जेक्ट है, तो देखने को क्या मिल रहा है कि 220 से लेके 240 इसी के बीच में नंबर आ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो सेलेक्ट भी हो रहा है ना, जिनको पीसीएस की पोस्ट मिल रही है, वो इसी के अराउंड उनके मार्क्स है, जैसे गौरव सर के 230 मार्क्स थे उनके ऑप्शन में जियोग्राफी में, ठीक है, इसी के अनुसार मार्क्स आ रहा है, जितने भी हम लोग के दो सेलेक्ट हुए या जो जितने भी हम लोग की कोचिंग सेलेक्ट हुए उन सबके भी ऑप्शनल मार्क्स नियर अबाउट इतने ही थे ऑप्शनल में। तो अगर आप ऑप्शन में ये स्कोर करते हैं 230 के अराउंड करते हैं, तो आप मान के चलिए कि हिंदी में भी स्कोर का सीमा है, हिंदी में आप कितना जाएंगे, बहुत अच्छा लिख लेंगे तो 100 जाएंगे, नहीं तो मान लीजिए कि उड़ के मैं मान लेता हूं कि औसतन आप लोग 90 प्लस पहुंच गया, ठीक है, यानी 90 प्लस के करीब में आपको मार्क्स मिल गए, किसमें, हिंदी में मिल गए 90 प्लस मार्क्स आप लोग हिंदी में पा गए, इतनी ही मैं मान लेता हूं कि चलिए आप लोग बहुत अच्छा एससे लिखते हैं और इतने ही मार्क्स आपको एससे में मिल गया। तो यहां से ओवरऑल क्या हो गया, हिंदी और एससे मिला के आपके मार्क्स हो गए ओनली 180 मार्क्स हो गए, ठीक, ऑप्शन मैंने मान लिया कि चलिए आपको 230 नहीं 240 नंबर मिल गया, एकदम टॉप वाला मिला, जितना आजकल मानविकी को मिल रहा है, विशेषकर हिंदी माध्यम को मैं मान के चलता हूं वो आपको मिल गया। तो अब अगर 180 में 240 जोड़ेंगे तो कितने मार्क्स आ गए, 0 0 8 4 12 2 हाथ में टका 1 2 3 4 ओवर 420 नंबर आपको मिले, ठीक है। अब सोचेंगे आपको एसडीएम, जिन दोस्तों को लगता है कि वो एसडीएम बनेंगे, अब आइए मैं उनको दिखाता हूं कि 420 मार्क्स अगर आप इस तरह से लेके आते हैं तो आपको जीएस में कितना स्कोर करना होगा पीसीएस अधिकारी बनने के लिए। जनरल कैटेगरी को कि जो मार्क्स है मिनिमम एसडीएम के लिए वो 917 मार्क्स है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 917 मार्क्स है, तो नो डाउट कि 917 मार्क्स में इंटरव्यू का औसतन 60 नंबर माइनस करिए, मैं बहुत ज्यादा माइनस कर रहा हूं, 50 नंबर औसत लेना चाहिए लेकिन मैं 60 ले रहा हूं, मैं मान लो कि बहुत अच्छा आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं 60 नंबर आपको आ सकता है, ठीक है, 60 नंबर यहां से माइनस करेंगे तो भी आपको चाहिए 860 नंबर चाहिए आपको जीएस में, या सॉरी मेंस एग्जाम में चाहिए, और मेंस एग्जाम में आप 420 नंबर पा रहे हैं अपना ऑप्शनल हिंदी और एससे मिला के। तो ऑप्शनल हिंदी और एससे मिला के अगर मैं इसको स्लाइड करके आगे जाएगा क्या है, ठीक है, ये देखिए आप, अगर आपको 860 में से 420 नंबर केवल आपको मिल रहे हैं और इन तीन सब्जेक्ट से, यानी ऑप्शनल से मिल जा रहे हैं, एससे से मिल रहे हैं और जनरल हिंदी से मिल रहे हैं, अब समझिए 420 नंबर आप यहां से ला सकते हैं मैक्सिमम,
मैक्सिमम नंबर मेरा मानना है कि हिंदी माध्यम की विशेषकर हिंदी माध्यम की पर्टिकुलर, तो यही नंबर आएगा इनका 420 ऑप्शनल हिंदी और ये सब मिला के। बहुत उड़ के आ सकता है, तो हो सकता है कि जनरल हिंदी में कुछ मार्क्स ज्यादा आ जाए, 5-10 नंबर 15 नंबर दाएं बाएं आपको लिख लेंगे। अब आप लोग 860 से अगर 420 को माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर कितना बचेगा, लगभग 440 के करीब में आपके पास नंबर बच रहा है। इतने मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे जीएस में तब जाके आपको एसडीएम की पोस्ट मिलने वाली है। सीधी सी बात है, सारा कैलकुलेशन आपके पास है। जिनको लगता नहीं वो हिंदी में 10 मार्क्स और बढ़ा लेंगे वो 440 को 430 कर देंगे, जिनको लगता नहीं एसडीएम की बहुत अच्छी है 10 मार्क्स और बढ़ जाएगा वो 440 को 420 कर लेंगे, 10 जिसको लगता नहीं ऑप्शन में वो 230 की जगह 240 की जगह 250 260 पा जाएंगे वो इसको 400 तक लेते जाएंगे। यही कैलकुलेशन है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे इस बार जो पोस्ट की पिछली बार संख्या थी वो 61 है, यानी 2020 में मैं मुझको लगता था कि 45 सीट थी, 61 सीट थी, तो यानी इस बार के अनुसार सीट भी कम है, ठीक है, पिछली बार का, ठीक है, पिछली बार से अगर तुलना करेंगे तो इस सीटों की संख्या भी कम है। इस बार 52 सीट है आपकी और पिछली बार 10 सीट लगभग ज्यादा थी। तो नो डाउट कि ये जो कटाफ है ना आपका 440, ये 440 बढ़ के सॉरी 917 ये कम से कम 920 के करीब मिल जाएगा। तो आप समझ गए आपको कम से कम जीएस में कितना स्कोर करना होगा, जीएस में आपको 400 स्कोर करना ही करना है एसडीएम बनने के लिए, ये तय है। ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप लोग देख सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि इसके लिए एक ही विकल्प होता है आंसर राइटिंग, ठीक है। आप जितनी आंसर राइटिंग करेंगे रिजल्ट उतना ज्यादा आपके हाथ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग का कोई इस एग्जाम में कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं। अब ये नहीं कह सकते नहीं आंसर राइटिंग का कुछ विकल्प है मैं उसका विकल्प निकाल सकता हूं, आंसर राइटिंग का कोई विकल्प ही नहीं है इस एग्जाम में, मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है। आंसर राइटिंग का कोई इस एग्जाम में विकल्प ही नहीं है। अब हम लोग एक चीज देखें, आंसर राइटिंग के लिए अपने पास हिंदी माध्यम में देखेंगे वैसे सोर्सेस की बहुत ही कमी है, ठीक है। अगर हम हिंदी माध्यम की बात करें तो मैं ये चीज अगर मीटिंग अच्छा मीटिंग नहीं चाहिए मिट जाता हूँ मिटा देता हूँ ठीक है मिट जाएंगे। अब देखिए हमने यूपीएससी हिंदी ने क्या किया है कि एक ध्रुव बैच को लॉन्च किया है, यानी यूपीएससी हिंदी क्या किया है बेसिकली एक ध्रुव बैच लॉन्च किया उसकी पेंसिल काम करे उसकी डीएक्टिवेट करना है। किसकी पेंसिल काम करी वहां से डीएक्टिवेट कर दीजिए तब चेक कैसे कैसे क्या अच्छा आप काम करिए नमस्कार ठीक है। देखिए यूपीएससी हिंदी क्या किया है कि एक ध्रुव बैच लॉन्च किया। ध्रुव बैच की खूबी क्या है कि हम लोग 400 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी जो मेंस का सिलेबस है यानी जो जीएस मेंस का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं जीएस मेंस का सिलेबस, ठीक इस पेंसिल से अब नहीं हो रहा है क्योंकि वो भी दिखा नहीं रहा है अब दिखा रहा है, ठीक है। तो जीएस मेंस का सिलेबस क्या है वो आपका इस 400 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका थोड़ा देर में रीड करना है मतलब पिछली बार की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैच ध्यान देंगे आज से यानी 7 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। आज से ये बैच पूरी तरीके से आपका स्टार्ट हो गया है। इस बैच में हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 15 मार्च तक क्या करेंगे 2021 वालों के लिए पूरी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 15 मार्च तक हम लोग इस पूरे 400 क्वेश्चन को हम लोग का टारगेट है कि इसको पूरा करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है इस 15 मार्च तक, पहली बात तो जो उसमें बुक सोर्स है उस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। बुक सोर्स क्या है तो अभी देखेंगे घटना चक्र की मार्केट में 6 बुक आई है मेंस के अनुसार 2022 वालों के लिए, ठीक है। बुक कंटेंट के स्तर पे अच्छी है तो हम लोगों ने उसको बेस बुक के ऊपर रूप में रख लिया है कि कोशिश करेंगे कि उसको आधार बुक रहे वहां से चीजें तक, क्योंकि वो देखिए सिलेबस वाइज दिया है तो बहुत ज्यादा 3-5 करना नहीं है, 2 द पॉइंट आगे बढ़ना और काम हो जाना है। हालांकि इसमें वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, ठीक है, और यूपीएससी हिंदी इसी के लिए जानी जाती है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे बुक में वैल्यू एडिशन करके आपके 400 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि ध्यान देना इस 400 क्वेश्चन की प्रॉपर क्लासरूम में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो इस 400 क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी, जो चर्चा किया जाएगा उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। जो तत्काल में चर्चा किया जाएगा उसका पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे और यहां पे ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर तो प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा लेकिन इसकी कॉपी चेक नहीं होगी। पहली चीज अपने दिमाग में एकदम क्लियर करना है, ठीक है, कि कॉपी चेकिंग नहीं होगी। दूसरी बात ध्यान देंगे कोई मॉडल आंसर नहीं दिया जाने वाला है, जब क्लास में ही डिस्कस होगा तो उसकी सारी पीडीएफ आप लोग को दे दी जाएगी, तो मॉडल आंसर की उतनी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का ध्रुव बैच का प्रोग्राम है। ध्रुव बैच 2022 के लोगों के लिए भी है, 2022 के लोग के लिए भी है, ध्यान देंगे 2021 वालों के लिए ये क्लास डेली 3-4 घंटे के करीब में होगी, 3 घंटे अराउंड तो होगी होगी। 2022 वालों के लिए क्लास डेली क्या होगी 2 घंटे के करीब होगी।
यहाँ पे टारगेट ये है कि जो 2021 के लोग हैं उनकी मेंस के पहले उनकी मेंस की तैयारी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाए, और जो 2022 वाले हैं जब वो प्री देने उनकी मेंस की बारी है तो उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि 40% के करीब सिलेबस आफ्टर प्री करवाएंगे, प्री के बाद कराएंगे, ठीक है। ये हम लोग का टारगेट है कि जो 40% सिलेबस है उसको हम प्री के बाद कवर कराएंगे। तो ये था बेसिकली यूपीएससी हिंदी का वो ध्रुव बैच, आप लोग के सामने बेसिकली ध्यान देंगे। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है पोस्ट की, और जो नीचे पोस्ट था 2021 का ये डिटेल है यहाँ पे, ठीक, ये सारी डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे। तो किसकी कितनी पोस्ट आई है, ये एक बोरिंग होता है बोलना कि कार्य अधिकारी पंचायती राज का इतनी पोस्ट है, अधीक्षक कारागार का इतनी पोस्ट है, कुछ इसमें समझना नहीं है, देख लेना है अपनी जानकारी के अनुसार। इसमें करना क्या है कि सीधी सी बात यह है कि मेंस का कट ऑफ जा कितना रहा है, हमको उस अनुसार अपना प्लान तैयार करना है और तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। चूंकि ऑलरेडी यूपीएससी हिंदी डिसाइड किया कि उस रीजन में आंसर राइटिंग को जो एडमिशन है वो या तो नहीं लेगी, और लेगी तो अब बहुत कम लेगी, ठीक है, ना मात्र का लेगी। तो नो डाउट कि वहां पे अभी जैसे हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए मना किया, तो सबसे बेहतर क्या है कि आप लोग 400 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस केवल 2500 रुपए में ही करा दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लिया भी नहीं जा रहा है, और बहुत जल्दी ये टारगेट आपका अचीव कर लिया जाएगा। इससे क्या रहेगा कि कंटेंट के स्तर पे कुछ वैल्यूएशन के स्तर पे आप तैयार हो जाएंगे, बाद में हम लोग जो आफ्टर प्री हम लोग मेंस की टेस्टिंग या कुछ भी ऐसा स्टार्ट करेंगे तो उसके माध्यम से आपकी वैल्यूएशन करा के इस जीएस में 400 नंबर का यानी 400 प्लस का जो टारगेट है वो आपका पूरा होने में पूर्ण सहयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी हिंदी की ध्रुव बैच का था बेसिकली। आज के इस पूरे पद के डिस्कशन का जो एक आने का कारण था वो यही था कि आप लोग एक प्लान सेट कर सके कि मेरी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पिछली बार की कटाफ से एक तुलना कर सके कि कटाफ पिछली बार इतना था तो इस बार कम होगा या ज्यादा होगा। हालांकि ये प्रोडिक्शन अक्सर गलत होता है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार देखेंगे कि नंबर ऑफ सीट प्रीलिम्स में कम था लेकिन कटाफ कम गया है, ये आरटीआई के तहत जब रिपोर्ट आई है तो पता चला है। तो ये माने चले कि अराउंड जो कटाफ है उसी के अराउंड कटाफ रहेगा, चाहे पोस्ट कम हो चाहे पोस्ट ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि अच्छे बच्चे जो है वो फाइट करेंगे तो कटाफ उतना जाना ही जाना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जीएस में अगर आप इस स्कोर तक पहुंचते हैं तो नो डाउट आपका रिजल्ट होगा अच्छी पोस्ट में, मतलब वो पोस्ट जिसके लिए जिसके बाद से आपको निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी और आप दोबारा प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे इन्हें, यूपीपीसीएस का एसडीएम की पोस्ट। तो अगर चाहते हैं कि अब वो बुधवार निर्माण की प्राप्ति हो जाए, दोबारा इस परीक्षा की घड़ी में ना जीना पड़े, तो उसके लिए ये स्कोर करना होगा जीएस में, और इसके लिए सबसे बेहतर है यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बैच। तो अच्छा मैं इसमें डिटेल बता दूं कि इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है। तो यूपीएससी हिंदी के दो कॉन्टेक्ट नंबर है, अक्सर स्क्रीन पे घूमते रहते हैं, एक है 8840751912, ठीक है, ये एक नंबर है, आप लोगों को क्या करना है कि व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर लेना है इस नंबर पे। जो दूसरा नंबर वो अभी तो मुझे भूल रहा है, अभी मैं क्या करूंगा कि एक सेकंड, इसका दूसरा नंबर क्या है, 9519, ठीक है, दूसरा नंबर मैं लिख देता हूँ 9519 78 00 78 78, ठीक है, ये नंबर अक्सर मतलब याद नहीं था इसलिए पूछ इसको लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ये दूसरा नंबर है, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना आप लोग को, ठीक है, और अगर लगता है नहीं कॉल करके कुछ जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। और अगर लगता नहीं कुछ बात करना है, बात किए बगैर पेमेंट नहीं करेंगे, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर लगेगा नहीं टीम मेंबर से किसी से बात करना है तो इनसे बोलेंगे ये सारी बात हम लोग से हो जाएगी, एक्चुअली ये कॉन्टेक्ट ही हम लोग के पास है तो बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसी भी यूपीएससी हिंदी के बैच के लिए, चाहे यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज की बारी हो प्री की, या मेंस की ध्रुव बैच की बारी हो, चूंकि मेंस में जो टेस्ट सीरीज था उसमें एडमिशन बंद हो चुका है, सीजन में ऑलरेडी एडमिशन अभी इस मंथ का क्लोज है तो एडमिशन पूरी तरीके से बंद है, आप लोग ध्रुव बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। जय हिंद।